दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, हर रोज कुछ ना कुछ दिल्ली वासियों के लिए तोहफा देने के लिए पीछे नहीं हट रही है। हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह मावी साहब हैं, जो कि ओबीसी मोर्चे के अंदर दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है। सर, क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? आम जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय केजरीवाल जी ने जो ये योजनाएं चालू करी है, उससे आम जनता बहुत खुश है। आज दिल्ली की जनता को बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, मैं समझता हूँ तमाम इतनी योजनाएं आपने शुरू की है जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं की होगी। हर चीज फ्री दे रहे हैं, आखिर दिल्ली की जनता को क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक ईमानदार सरकार है जी। फ्री की बात ऐसा कुछ नहीं, दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं दिया फ्री जी? अगर फ्री दे रहे हैं या वोटों की राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी सरकार क्यों नहीं दे रही इसको जी? तो क्या माना जाए, ये चुनावी हथकंडा नहीं है एक तरीके से? देखिए, चुनावी हथकंडा क्यों कहेंगे, गरीब जनता को अगर कोई आपसे के पैसे से और उसी को पैसे को आपको गरीब जनता को दिया जा रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? चुनाव सामने आ रहे हैं तभी 200 यूनिट फ्री नहीं, ये तो हमने पहले दिन से ही कर दिया था जब हमारी सरकार बनी थी। तब तो हाफ और माफ था ना, हाफ और माफ था जी। तो आज जो देखा है कि जनता के पैसे से ही हो रहा है ना, जनता जब दिल्ली का बजट करीबन जब शुरुआत में 2015 में 33,000 करोड़ का था, आज वो बजट दिल्ली का देखिए आप 60,000 करोड़ के आसपास होगा। भूपेंद्र जी, आप ओबीसी मोर्चे के अंदर उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश देख रहे हैं, क्या दिया पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को अब तक, कितनों जनों को रोजगार दे पाए? नहीं, दिल्ली में आदरणीय अरविंद जी हर मोर्चे के लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे किराएदार विंग है जी, जी, हर मोर्चे के लिए, हर गरीब जनता के लिए, हर मजदूर के लिए, हर आदमी के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। आप देखिए दिल्ली में अगर बिजली सस्ती हुई है तो केवल गरीबों के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए भी है। कोई रेट आज तक नहीं बढ़ा है, कोई टैक्स अभी 5 साल में कोई नहीं बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक आदमी के लिए सुविधा है। भूपेंद्र जी, आप गोंडा विधानसभा के अंदर रहते हैं, क्या उम्मीद लग रही है, कितना काम करा पाए हैं श्रीधर शर्मा जी अपनी विधानसभा के अंदर? देखिए, श्रीधर शर्मा जी ने काफ़ी काम कराया है, ऐसा नहीं मैं गलत कहूँ कि उन्होंने काम नहीं कराया। पार्कों में जिम भी अभी स्टार्ट हो गए हैं, ओपन जिम भी स्टार्ट हो गए हैं और सड़कें भी हमारे यहाँ की ठीक हुई हैं, तो श्रीधर शर्मा जी ने अच्छा काम किया है। क्या उम्मीद लग रही है, दिल्ली की जनता किसके साथ जाएगी? दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ जाएगी। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है जी। सामने मोदी सरकार है, देख लीजिए, कोई मोदी हो, सरकार हो या कोई भी हो जी, वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि देश ने प्रधानमंत्री बना दिया है, देश की जनता ने देश हित में प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल। लेकिन जनता तो मोदी जी के साथ चलना चाह रही है, क्योंकि अगर हम मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि मोदी जी के साथ देश की बात थी, देश हित की बात थी, तो सारे देश ने मोदी जी को वोट दिया। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात करें और दिल्ली के मुद्दों की बात है, तो वहां जनता दिल्ली केजरीवाल जी के साथ है। 67 में से अब की बार कितनी? 67 में से हम तो कहेंगे 70 इस बार आने की पूरी उम्मीद है, हमें तो लगता है कि 3 सीटें भी नहीं रहे यहाँ। वहीं अमित शाह ने तो 50 से 55 सीटें भाजपा की डिक्लेयर कर रखी हैं दिल्ली के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना उनका अपना वो है कि भाई सर्वे करा रखा है, जो भी करा रखा है जी। ये तो उनका प्रोपोगेंडा है कि 50 सीटें आ रही हैं और जा रही है आज तक, ऐसा होता वही है जो अमित शाह चाहते हैं। नहीं, अमित शाह अगर ईवीएम में कुछ करना चाहते हैं तो बात अलग है, वरना अगर जनता चाहती है तो जनता तो केजरीवाल सरकार चाहती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ मान रहे हैं तो क्यों नहीं बैलेट पेपर की आवाज़ उठ रही? बैलेट पेपर का पहले भी उठाया था, लेकिन अब देखिए ना सर, कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो दूसरे स्टेट्स में भी आवाज़ उठी थी ये तो। लेकिन दिल्ली की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि अगर आपको अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ चाहिए तो केजरीवाल सरकार को वोट दें। अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य चाहिए और बच्चों के लिए जीवन चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं स्कूलों में हमारा भविष्य जो पढ़ रहा है वो स्कूलों में पढ़ रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि आप दिल्ली की जनता से कि केजरीवाल सरकार अब की बार केजरीवाल सरकार। वही कल से नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, विजयदशमी भी है, क्या शुभकामनाएं? मैं अपनी जनता को, अपने इस दिल्ली वासियों को, देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले पर विजयदशमी पर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।